नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीता बालकनी गार्डन में। मौसम चेंज होते ही पौधों की जगह भी हमें चेंज करनी होती है, क्योंकि जिस जगह पर पहले धूप आती है बाद में उधर धूप नहीं आती है। मेरी बालकनी इस तरीके से बनी हुई है कि सर्दियों में किसी बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है और सर्दी में किसी बालकनी में बिल्कुल धूप नहीं आती है। और गर्मी आते ही फरवरी का मंथ शुरू होने के साथ साथ ही उस बालकनी में अच्छी धूप आनी शुरू हो जाती है। और ये हॉल वाली बालकनी जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाली यहाँ पर तो धूप अंदर सर्दियों में यहाँ तक धूप आ रही थी जहाँ पे ये प्लांट रखा हुआ है, और धीरे धीरे अब ये कम होती जाएगी और सिर्फ बालकनी में ही रह जाएगी गर्मियों में धूप। तो मैं यहाँ पर उस बालकनी के स्टार्ट होते ही यहाँ पर मेरे पास सीढ़ी पड़ी हुई है 3 स्टेप वाली, उसको मैं यहाँ पर रखूँगी इस जगह पर। तो क्योंकि अभी यहाँ पर धूप अच्छी आएगी तो कुछ बड़े गमले उस पर सीढ़ी के ऊपर रखे जा सकते हैं। ये पहले का मैं व्यू दिखा रही हूँ अपनी बालकनी का। तो ये जो मैंने इस जगह पर ये सारे प्लांट रखे हुए थे इसको भी मैंने हटा दिया, और ये स्टैंड तो परमानेंट बना हुआ है, सामने वाइट वाला है जो मैंने पेंट किया था इस पर, तो आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था। तो ये सारा अब अरेंजमेंट जो है वो मैं चेंज करूँगी। एक बार आपको दिखा रही हूँ कि ये पहले किस तरीके से रखा था मैंने। ये 2 स्टेप वाली सीढ़ी यहाँ रखी हुई थी और फिर मैंने इसको अंदर रख दी थी, और फिर यहाँ पर 2 स्टैंड मैंने रखे हुए हैं थे। अब मैं यहाँ पर 3 स्टेप वाली सीढ़ी रखूँगी, तो उससे क्या होगा कि इस बालकनी में अच्छी जगह स्पेस हो जाएगा और बहुत सारे गमले आ जाएंगे। क्योंकि इंडोर भी मैंने अभी हॉल में रखे हुए थे, अभी सर्दियों में दिखा रही थी, अब मैं धीरे धीरे इंडोर प्लांट्स को भी जो मेरी तीसरी छोटी बालकनी है उसमें शिफ्ट कर दूंगी, तो उसमें भी हल्की धूप आती है, तो उसमें हल्की हल्की धूप उन पौधों को लग जाएगी। और बाकी मैं ज़्यादा तेज़ धूप जब आती है तो वहाँ पर पर्दे लगा देती हूँ। तो आप ये देखिए, ये सारे यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ था, यहाँ से ये स्टैंड भी मैंने हटा दिया, और ये प्लांट्स आप देख सकते हैं। क्योंकि सबकी जगह अब चेंज करनी पड़ेगी, जिनको कम धूप चाहिए होती है उनको भी इस बालकनी में मैं रख पा रही थी, क्योंकि सर्दियों की मीठी मीठी धूप हम इंडोर प्लांट्स को भी देते हैं और उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अब फरवरी मंथ स्टार्ट होते ही इंडोर प्लांट्स को भी हम खाद देंगे, तो मैं वो वीडियो शेयर करूँगी जब मैं अपने इंडोर प्लांट्स को खाद दूँगी। अभी हम जो भी गर्मी के प्लांट्स हैं उनमें खाद देंगे, और उसमें हमें क्या करना है गर्मी के प्लांट्स में, क्योंकि हमारे पास आपके पास भी जो प्लांट्स होंगे गर्मी के उनमें सभी में भी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो हमें उसके लिए खाद देनी होगी और क्या क्या उन पे कुछ काम करना होगा। क्योंकि बिना कुछ किए हो सकता है हमारे प्लांट डाईबैक कर जाएँ, मर जाएँ, तो हम उनके ऊपर क्या करेंगे, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस पर वीडियो बनाऊँगी मैं गर्मी के प्लांट्स पे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 3 स्टेप वाली सीढ़ी रख दी है और इसके ऊपर कुछ प्लांट्स रखने शुरू हुए हैं, अभी तो मैंने ऐसे ही रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 स्टैंड रख दिए, इनको भी मुझे चेंज करना है। एक बार मुझे जहाँ पर समझ में आया रख दिया, क्योंकि सफाई भी साथ साथ हमें करनी होती है, क्योंकि जहाँ पर हम सीढ़ी रखते हैं वहाँ पर इतने अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है, फिर हटाते हैं तो ये लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं तो नीचे जंग लग जाती है, तो उसे भी अच्छे से साफ़ करना है। हमारे प्लांट्स तभी खूबसूरत दिखेंगे जब हम वहाँ पर साफ़ अच्छे से सफाई रखेंगे, तो उससे मच्छर भी नहीं होते हैं। गर्मियों में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मैंने अरेंज किया है और अब ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि लेकिन डेली ही सूखी पत्तियां हटाना, तो मुझे बीच में इसमें स्पेस रखना होता है सीढ़ी पर, कि ऊपर मैं ये हैंगिंग पॉट्स में भी पानी डाल सकूँ। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग, कलर बहुत ही प्यारे हैं इनके। बस ये है कि टाइम टू टाइम आप खाद देते रहिए, खासकर लिक्विड, आप सर्दियों में अभी भी आप लिक्विड देते रहिए इनमें, तो ये मार्च तक हमारे पास प्लांट बने रहेंगे। पिटूनिया भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा अभी मार्च तक।
ये सीढ़ी के ऊपर चढ़कर ही मैं इसमें पानी दे पाती हूँ, इसलिए मैंने बीच में स्पेस रखा है सीढ़ी पर। और अगर आप हैंगिंग बास्केट नहीं टांगते हैं, आपकी बालकनी में अच्छी जगह है और बास्केट इधर नहीं दूसरी जगह आप रखते हैं, तो आप सीढ़ी पर बहुत ही अच्छे से प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं, गमलों को, बड़े गमले जैसे ऊपर छोटे नीचे, इस तरीके से भी आप जचा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में भी अब आप देखेंगे कि नई ग्रोथ आपको मिलने लगेगी धीरे धीरे, और उसमें से भी नए नए प्लांट्स निकलेंगे। ये देखिए बोगनविला, इसमें एक भी पत्तियां नहीं थी, वापस से नई नई पत्तियां आ गई है। जो भी आपके गर्मी के प्लांट्स होंगे, आप उनकी जो भी सूखी डंडियां हो उनको कट कर दीजिए, वरना न्यू शूट्स आने में बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत लेट आएंगी और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। ये एक्जोरा प्लांट है, डॉफ एक्जोरा, इसमें साल भर फ्लावरिंग हुई है, पूरी सर्दी में भी फ्लावरिंग किया है इसने। सदाबहार ये हमारे हाइब्रिड विंका भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें कौन कौन सी खाद मैंने दी है, किस तरीके से फ्लावरिंग हुई है इसमें। अब गर्मी आते ही इसमें भी फ्लावरिंग होने लगती है फरवरी महीने में। ये हमारी तुलसा जी, ये भी सर्दी में बहुत अच्छी बनी रही, इसे बस आप इसमें जो भी बीज आते हैं उसको तोड़ते रहिए और सर्दी में इसे धूप में रखिए, अच्छी धूप में, और अंदर की तरफ बालकनी में रखिए जिससे इसके ऊपर कोहरा वगैरह ना पड़े, तो ये ऐसे रहती है। अभी हमारे यहाँ अभी ठंड है, एकदम ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू नहीं हुई है, इसलिए विंटर प्लांट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मीठा नीम, इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी थोड़ी सर्दियों में ख़राब होने लगती हैं, ये भी डोरमेंसी में ही रहता है पूरी सर्दी। अब फरवरी का महीना आया है तब मैं इसमें खाद दूंगी, तब वापस से इसमें नए नए पत्तियां आ जाएंगी। ये आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से बालकनी का, एकदम साफ सुथरी और क्लीन है। मैं गमलों की जगह, प्लांट्स की जगह सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हूँ।